प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। बात कर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आपका हर जो लिंक है वो सक्सेसफुल हो, आपकी हर जो आप कॉन्टेक्ट करते हैं वो आपको ब्रेक थ्रू दे देगा, बट आप एक एफर्ट तो करते रहते हैं ना। देखिए, आपकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी कॉन्टेक्ट होते हैं, और खसूसन जिन मुल्कों के साथ आपके टेंशन है, उनकी टेंशन तोड़ना अगर आपके मुल्क के मफाद के अंदर है तो उसके लिए आपने काम करना है डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, आप अपनी मिलिट्री के ऊपर अपने जो तहफ़ुज़ात हैं। आप देखें कि एक वक्त में चाइना और अमेरिका की कितनी टेंस कंडीशन थी, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था एक दूसरे के। हेनरी किसिंजर के थ्रू उन्होंने अपने तौर पे सीक्रेटली आपस में किया। क्या आज चाइना और उनके अमेरिका के ताल्लुकात, क्या अमेरिका ने ताइवान को तस्लीम कर लिया है कि वो नहीं है? वो आज भी वही बातें कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट एंडेवर कौमें करती रहती हैं, तो इसलिए प्लीज ये नॉन इश्यू है बखुदा, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर देखिए, आज हम बात करें इंडियन की एनसर्कलमेंट एफर्ट जो पाकिस्तान की कर रही है, उन वो क्या करना चाहते हैं, हमें क्या ये आपने बड़ी खुद ही अहम बात कर दी। जी जी, तो मैं अब जनरल जो शुएब साहब कहते हैं कि जी इंडिया जो है वो तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं। अब इंडिया जो है, जब से वो बांग्लादेश को उसने पैसे देने शुरू किए, तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने जो है, उसको पाकिस्तान आना था T20 के मैच खेलने के लिए, बांग्लादेश रिजेक्ट इनविटेशन टू टूर पाकिस्तान, और आज उसका अनाउंसमेंट भी हो गया कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। तो अगर मोदी जो है बांग्लादेश की तो बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि इट्स नो लॉन्गर ए फ्री कंट्री नाउ। अच्छा, ये अब इंडिया की एक्सटेंशन बन चुका हुआ है, ये उनके लोगों को कभी किसी वक्त जाके समय लगेगी जब उनकी आजादी। तो जनरल साहब, अगर इंडिया इस वक्त अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो साजन जनरल साहब जैसे लोग अगर पाकिस्तान आते हैं तो कोई हमें इंडिकेशन भी तो मिलनी चाहिए, कम से कम कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी हो जाए। वहां पे वो लगाते हैं सोशल मीडिया पर पाबंदी और अगले दिन जनरल साहब आ जाते हैं। देखिए, जहां तक इंडियन एटीट्यूड का ताल्लुक है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसमें तो हम किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को एन आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन पाकिस्तान को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आप चुप करके बैठ तो नहीं सकते, आप अपनी एफर्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे भी करेंगे। इंडिया ने जितनी 13 कोरे हैं उनमें से 7 पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयड हैं। नेवी का नीचे से अरेबियन सी और इंडियन ओशन से घिराव किया हुआ है। चाबहार के लिए उन्होंने जो किया है वो कोई गुड सेंस के अंदर नहीं किया। आप देखें कि 2/3 ऑफ कश्मीर कैप्चर किया एनसर्कल करने के लिए, फिर सीएचएन में के अंदर गए, और अभी उन्होंने उनके जो अफगानिस्तान के थ्रू ये कलभूषण और ये वो आज अभी ये जो आपके एहसानुल्लाह एहसान ने बातें बताई हैं, दैट मीन्स कि वो अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है और वो करता रहेगा, बिकॉज उनके लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क एक इरिटेंट है। न्यूक्लियर पाकिस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान, उनको बांग्लादेश और भूटान चाहिए जिनको वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करे।